जमशेदपुर के मानगो में उलीडी थाना क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी संजय पथ में बदमाशों ने उमेश पांडे के घर में घुसकर फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि फायरिंग में उमेश पांडे और गुड्डू पांडे घायल हुए हैं, दोनों को गोली लगी है। घटना स्थल से खोखा भी बरामद हुआ है। वहीं उमेश पांडे ने बताया कि वह ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं, कुछ लोगों से पुराना विवाद चल रहा था। 6 की संख्या में अपराधी घर पर आए और फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सिटी SP मुकेश कुमार ने कहा कि गोली लगने से 2 लोग घायल हुए हैं, कुछ अपराधियों की पहचान हो चुकी है, वहीं छापेमारी दल की गठन की गई है। आपसी विवाद के कारण ये घटना को अंजाम देना बताया जा रहा है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ थाना में तो कितना लोग था? करीबन 6-7 का संख्या में थे। अच्छा, कितना फायरिंग किया लोग? वो तो फायरिंग तो काम को लग रहा है, कम से कम 20-25 राउंड किया वो लोग। घर में घुस के पूरे परिवार को ये लोग चाह रहा था मारने के लिए। अच्छा, तो अपने हिसाब से प्रशासन ने अपना देखे। घर में कोई था कि नहीं था? तो सब कुछ थे, गोली हमको लगी है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ कुछ विवाद कुछ था कैसे? क्या वो सिंटू सिंह है और कुछ है, कुछ हम प्रशासन को सारा बात बता चुके हैं। बताइए ना, क्या बात नहीं शेयर कर सकते? अच्छा, कब चला ये? अभी 10-15 मिनट पहले ही घटना है। थाना अंतर्गत संजय पथ जो सुभाष कॉलोनी में करीब 3 बाइक पे 6 अपराध कर्मियों द्वारा गुड्डू पांडे के घर पे गोली चलाई गई, जिसमें 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। और जो अपराध कर्मी उनमें से 4 अपराध कर्मियों की अभी तक पहचान की जा चुकी है और उनकी छापामारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया है और अभी छापामारी की जा रही है। कारण क्या है फायरिंग का? ये आपसी रंजिश का मामला है, आपसी दुश्मनी के चलते इन दोनों में।